लोगों ने जिस बादशाह को सराखों पर बैठा कर रखा, उन्हें क्या पता था कि वही बादशाह उन्हें तबाह करने की तैयारी कर रहा है। वो नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे अबू बेकसूर थे और तुमने उन्हें फंसाया है। लेकिन सच सदा दिन छुपता नहीं। मैं तुम्हारी असलियत और तुम्हारे इरादे सबके सामने लाऊंगा मुच्छड़। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हम ये तो जानते थे कि तुम समझदार हो, इतने समझदार, इतने सालों से हमें कोई नहीं पहचान पाया, लेकिन तुमने हमें पहचान लिया। हाँ, हम ही मुच्छड़ हैं, हम ही मुच्छड़ हैं। जिसने मासूमों पर जुल्म किया, उन्हें डराया, धमकाया वगैरह वगैरह। अभी तुमने जो कुछ भी कहा, मैं वही हूँ। हाँ, हम ही मुच्छड़ हैं। हमने ना सिर्फ उमर को फंसाया, उसका यानी तुम्हारा घर उजाड़ दिया। तुमसे तुम्हारा बचपन छीन लिया। उमर तो भाग गया, लेकिन तुम पकड़ में आ गए। अब उसके हिस्से की सजा और नफरत भी तुम्हें मिलेगी। देखना हम तुम्हें कैसी मौत देते हैं। बेहतरीन गुठी के जिन, बेहतरीन। बड़े अरसे बाद तुमने हमारा दिल खुश किया है, इसका इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। तब हमने तुम्हारे बाप की जिंदगी बर्बाद की, अब तुम्हारे भाई की जिंदगी बर्बाद करेंगे। वो हमारे हाथों का ऐसा खूनी खिलौना है जो पूरे बगदाद पर कहर ढाएगा। मासूमों पर जुल्म करेगा और तुम्हारी अम्मी पर भी। वही चिराग के जिनका आखिरी इम्तिहान होगा, जिसमें वो हमेशा हमेशा के लिए काली ताकतों का गुलाम बन जाएगा। Ha 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 ha
कसम सोने की अशर्फियों की, नाजनीन को यकीन नहीं हो रहा कि हम अपने पैरों पर घर जा रहे हैं, ये जानने के बावजूद कि हमने इतने बरसों तक काले चोर को अपने घर में पनाह दी, बादशाह सलामत ने हमें जिंदा छोड़ दिया। आए, 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 आए। बेगम, इधर कुआं है उधर खाई है, एक तरफ बादशाह सलामत है एक तरफ अलादीन है। जब अलादीन को पता चलेगा कि हमने बादशाह सलामत को उसकी सच्चाई बता दी है तो वो हमें जीने नहीं देगा बेगम। अगर अलादीन ने बादशाह सलामत को बता दिया तुम्हारे लालच ने उसे काला चोर बनने पे मजबूर किया है तो हम क्या करेंगे बेगम? देखो, डर की वजह से मेरे पांव थर थर कांप रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। बेगम मुझे बचा दो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। सोने की यशस्वियों की, अगली मर्तबा अपनी सीली जैसी हड्डियां मुझे चुभाई तो ऐसा चांटा लगाऊंगी सुबह तक यही घूमते नजर आओगे। देखो मियाँ, पुरानी सारी बातें भूल जाओ। भूल जाओ क्या? पुरानी बातें भूल जाओ? भूल जाओ कि तुम मेरी बीवी हो? बेगम, मैंने तुम्हारी हमेशा हर बात मानी है, आज भी मानूंगा। मेरी अम्मी कहा करती थी, बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त जरूर आता है। मेरे अच्छे दिन आ गए, मैं आजाद हो गया, मैं चला। ज्यादा जल्दी है जाने की, पहुँचाऊँ तुम्हें तुम्हारी अम्मी के पास? नहीं, पिछली वो सारी बातें भूल जाओ जो हमने अलादीन के साथ की है। अभी सिर्फ तीन चीजें याद रखो। एक, अलादीन काला चोर है। अलादीन काला चोर है। दूसरी बात, वो उस भगोड़े गद्दार उमर का बेटा है। भगोड़े गद्दार उमर का बेटा है। और तीसरी बात कि हमने मौत के डर से उस काले चोर को अपने घर में पनाह दी। समझे? हाँ बेगम, मैं समझ गया। हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई है, ये रात कुछ ज्यादा ही काली हो गई है। जिस शख्स के साथ हमने इतना वक्त बिताया, जिसके साथ हमने इतने खतरों का सामना किया, उससे पहचानने में हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? उसने कहा कि हमारे अबू मुच्छन, या फिर हो सकता है कि उसे किसी ने बहकाया हो। पर जहराल का हमला महज एक वहम था, तो हो सकता है कि काले चोर को भी कोई वहम हो गया हो। हो सकता है वो सिर्फ वही देख पा रहा हो जो दुश्मन उसे दिखाना चाह रहा हो। हाँ, ये मुमकिन है। तभी तो उसे लगा कि हमारे अबू मुच्छड़ है। पर काले चोर के साथ कोई ऐसा क्यों करेगा? या अल्लाह, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं, हम अब्बू को इस कदर परेशान देख सकते हैं, ना ही काले चोर को अकेला छोड़ सकते हैं। हमें उन दोनों से माफी मांगनी होगी और सच का पता लगाना होगा, पर कैसे? भागने मुझे कि एक बार तू मेरे हाथ आ गया तो मैं ये छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारा सारा खेल इसी कमरे से शुरू हुआ था ना, आज इसी कमरे में खत्म होगा। बहुत बेचैनी हो रही है, ऐसा
ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा है। तूने उमर को मुझसे दूर कर दिया, मिलवाया और फिर दूर कर दी। अब मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। और चीनू, मैं ये भी नहीं जानती कि वो कहाँ है। और अलादीन कब घर आएगा, मैं ये भी नहीं जानती। अब मैं और इम्तिहान नहीं दे सकती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अब मेरे लिए तुझे इन तीनों की हिफाजत करनी होगी। इन तीनों पर जल्द से जल्द घर वापस लाना हो। जीनो नहीं, चिराग का जिन। तुम इस कमरे में बहुत वक्त से अंदर आना चाहते थे ना, और यहां के राज जानना चाहते थे। आज तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी होगी। और फिर तुम हमारे मेहमान हो। सबसे पहले तुम्हारी खातिरदारी तो जरूर होगी। वजीर आला, यहाँ लाए जख्म कैसे? इस वक्त आपके कमरे में आने के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी। क्या हुआ, हमें जल्दी बताइए। अबू ठीक है? नहीं, बादशाह सलामत ने अलादीन के साथ मुलाकात की और न जाने बातचीत में अलादीन बदतमीजी कर बैठा उनके साथ। वो अपना आपा खो बैठा और अच्छा सलामत पे इल्जाम तक लगा दिया कि वो खुद ही मुच्छड़। और फिर उसने हमला कर दिया बादशाह सलामत। हमने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन हमें भी पीट कर चला गया। अब बस आप ही हैं जो उसे समझा सकती हैं। पागल सा हो गया है वो। चलिए, आखिर आज तुम्हें पता चल ही गया कि मुझ और कोई नहीं, खुद बादशाह सलामत है। मुझे तो सोच सोच के हंसी आ रही है कि जिस बादशाह के सामने ये अपने अब्बा की बेगुनाही साबित करना चाहता था, वो खुद ही मुच्छल निकला। अब आज इसे ये पता चला किसके यहाँ का नमक खाया, उसी ने इसकी जिंदगी में जहर घोल दिया। ये बातें मेरा चिनू नहीं, मुच्छल का गुलाम चिराग का जिन कर रहा है। तुम्हारा चिनू? एक काम करो, तुम आज मुझे अपना अब्बा दादा ना भाई भाई जो कहना है कह लो। आज मैं तुम्हें नहीं टोकूंगा, क्योंकि मरने से पहले इंसान की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर देनी चाहिए। एक बात कान खोल के सोच, आज मैं मेरे आका और ये अंगूठी का चिन्ह तुझे तड़पा तड़पा के खत्म कर देंगे। तुम गुलाम हो,
अगर वाकई में तुम मेरे भाई होते ना, तो गुलामी की सारी जंजीरें तोड़कर मेरे पास वापस आ जाते, ऐसे हार नहीं मानते। क्या देख रहा है? बेवकूफ इंसान, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो लेकिन शायद ये भूल गए कि जादू की ताकत सबसे बड़ी होती है। हार मान लो लड़के, क्यों नहीं मान लेते ये मुझसे, मेरे आका से और इस अंगूठी के जिन से नहीं जीत सकते। अरे तुम किसी और को क्या, खुद को नहीं बचा सकते? मेरे आका का राज राज ही रह जाएगा, कोई नहीं जान पाएगा कि मुच्छर और बादशाह सलामत दोनों एक ही है। वैसे क्या मेरे आका ने तुम्हें बताया कि वो तुम्हारी अम्मी के साथ क्या करने वाले हैं? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। मैं उस औरत को जादू से नहीं, खुद अपने हाथों से गला दबा के मार दूंगा। बस इंतजार है तो सिर्फ तेरे आका के। खुदा भी हमारी अम्मी को हमसे छीन नहीं सकता, या अगर हमारी अम्मी को कुछ भी हुआ मैं खुदा से भी लड़ जाऊंगा। जरा सी चोट भी लग जाती थी तो तुम रो पड़ते थे, और आज तुम अम्मी की जान लेने की बात कर रहे हो।
अलादीन अब तक घर नहीं आया। कितनी रात हो गई, अलादीन कहाँ रहेंगे? हम इतनी रात गए, उसे ढूंढने के लिए मदद मांगू भी तो किससे? काश अलादीन के अब्बू होते यहाँ। मेरे अकल के जादूगर आका, वाकई बादशाह सलामत अब नहीं रहे, या ये कोई मेरी आंखों का धोखा है? ये धोखा नहीं बल्कि एक खूबसूरत हकीकत है अंगूठी के जिन। बादशाह सलामत, अल्लाह खुफिया रहे होंगे। आपका दिमाग मेरे पेट की तरह बड़ा है और आपके इरादे मेरे सीने की तरह मजबूत। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने इन सभी इंसानों का दिमाग आप ही को फरमाया है। बेहतरीन बेहतरीन। लेकिन आका, अगर बादशाह सलामत को मारना ही था तो ये काम तो हम बहुत पहले कर सकते थे। आपने इतना इंतजार क्यों किया? इंतजार क्योंकि बादशाह सलामत को मारना हमारी असली मंजिल नहीं थी, बल्कि हमारी असली मंजिल तक पहुंचने के लिए एक छोटी सी सीढ़ी थी। हम जानते थे कि बगदाद का बादशाह बनने के लिए हमें 3 चालें चलनी पड़ेंगी। पहली, बादशाह सलामत का कत्ल हुआ जिसके छींटे पड़ेंगे अलादीन के दामन पर। दूसरी, आवाम का गुस्सा, ये जानने के बाद कि उनके चहीते बादशाह सलामत की मौत का जिम्मेदार उन्हीं का चहीता अलादीन काला चोर है जिसे वो अपना मसीहा मानते थे, उसे नफरत करेंगे। फिर आएगी तीसरी और आखिरी चाल। शहजादी यास्मीन उनकी नफरत। ना वालिद साथ होंगे ना मोहब्बत। बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी। तब उसी वक्त हम उनका सहारा बनकर उनका दिल जीतेंगे और फिर उन पर और बगदाद पर हम हुकूमत करेंगे। हुकूमत? वाह आका वाह, क्या तरकीब लगाई है, क्या अक्ल लगाई है, क्या खेल खेला है। शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन तुम एक अहम बात जानते हो, कोई भी जंग जीतने के लिए सही घोड़ा होना बहुत जरूरी है। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई भी जंग में सही घोड़ा होना बहुत जरूरी होता है, और हमें हमारी इस जंग में हमारे घोड़े ने बेहतरीन साथ दिया, हमारे काम आया हमारा प्यारा सा चिराग का जिन। और फिर हमने अलादीन को एक ऐसी तलाश में लगा दिया जो तलाश कभी खत्म ही ना हो।
फिर हमने उसे इस बात का यकीन दिलाया कि उसका भाई जीनू उसे मिल सकता है। उसे एक ऐसे रास्ते पे चलाया जिसकी मंजिल हमने बहुत पहले ही तय कर ली थी। मेरे अकल के जादूगर आका, आज आप कुछ ज्यादा ही अकल की बातें कर रहे हैं, है ना? जरा तफसील से समझाइए। हम तुम्हें ठीक से समझाते हैं। अच्छा चलो, सबसे पहले अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करके हमें वो सारे नजारे दिखाओ। हम भी एक मर्तबा उन असीम लम्हों को दोबारा जीना चाहते हैं। बेशक काका, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। सबसे पहले चिराग के जिन ने कांच के टुकड़ों में अलादीन को परचम वाला घर दिखाया। शायद ही जीनू का अगला इशारा है, और उसे इस बात का यकीन दिलाया कि उसका भाई जीनू उसे वहीं मिलेगा, और वो बेवकूफ उलझ गया उसकी तलाश में। उस घर में जाने के बाद उसे धूप कड़ी मिली। शाही निशान जो उसे वापस महल ले आए, जिस बात से उसे यकीन हुआ कि अगर उसे जादुई चिराग मिल गया तो उसे अपना खोया हुआ जीनू भी मिल जाएगा। फिर वो निकला तलाश पर, जादुई चिराग की तलाश पर। हमारी चालों में फंसकर वो उस कमरे तक जा पहुंचा जहां एक नहीं बल्कि कई सारे नकली चिराग उसका इंतजार कर रहे थे। बेचारा इस कदर उलझ गया असली चिराग को ढूंढने के चक्कर में कि वो भूल ही गया कि कब बादशाह सलामत और हम वहां पहुंच गए। और फिर हमने उसे वही नाम से पुकारा, काले चोर। बादशाह सलामत, ये काला चोर है। हमें पता था उसे ये बात खटकेगी, और वही हुआ, और हम उसके शक के दायरे में आ गए। और उसी वक्त बादशाह सलामत ने ये हुक्म जारी किया कि अलादीन को गिरफ्तार कर लिया जाए। उस गुनहगार को आप कल हथकड़ियों में जकड़कर हमारे दरबार में लेकर आएंगे। अब अलादीन हमारी जासूसी करने के लिए खुफिया कमरे तक पहुंच गया। अब उसका शक और पुख्ता करने के लिए हमने उसे यकीन दिलाया कि उस कमरे पर जिन्नात का पहरा है। ये जरूर जिन के जादू से बनाया गया है। अब हमारे कहने पर चिराग का जिन उसके सामने गया, तो उसने चिराग के जिन से पूछा, इसके अंदर सच में जादुई चिराग है? चिराग के जिन ने उसकी बातों में आने का नाटक किया, और फिर उसे यकीन हो गया कि जरूर उस कमरे में कुछ ना कुछ है। फिर हमने बादशाह सलामत से कहा कि अलादीन अच्छा लड़का है, और वो शहजादी यास्मीन की पसंद पर गौर फरमाए। आपको उस लड़के से एक मर्तबा मिल लेना चाहिए, शहजादी को भी ये बात पसंद आएगी। फिर हमारा प्यारा अलादीन शहजादी यास्मीन को लेकर खुफिया कमरे तक पहुंच गए, जहां हमारे अजीज चिराग के जिन ने उन्हें अंदर आने की इजाजत दी, और वहां उन्हें मुच्छड़ का लिबास दिखाई दिया ताकि उसे इस बात का यकीन हो जाए कि हमारा और मुच्छड़ का कोई ताल्लुक है। फिर हमने गुलबदन को अपना मोहरा बनाया। जानते थे वो बेवकूफ गलती जरूर करेगा, इसीलिए हमने उस बेवकूफ को वो शमशीर लेकर अलादीन के घर पर जाने को
उसी वक्त अलादीन ने उसे देखा और उसका पीछा किया, और तब तो उसने एक तरकीब सोची। हमें मुछड़ का पर्दाफाश करना है तो हमें एक छोटा सा खेल खेलना होगा, जिसमें तुम बनोगी शहजादी यास्मीन। फिर अलादीन गुलबदन को शहजादी यास्मीन के पास ले गया और गुलबदन ने वो सब कुछ बताया जो हम बताना चाहते थे। वजीर आला ने मुझे एक तलवार दी है। वजीर आला उस तलवार का इस्तेमाल चांद ग्रहण की नाक को करने वाले हैं। आगे भी वैसा ही हुआ जैसा हम चाहते थे। उस काली रात वाले दिन शहजादी यास्मीन ने गुलबदन को उस शमशीर को खुफिया कमरे में रखते हुए देख लिया। हमें सब अभी के अभी अलादीन को बताना होगा। फिर हमने बादशाह सलामत से कहा कि आप एक मर्तबा अलादीन को आम आदमी के लिबास में मिल ले। तो वजीर आला, हमें आम इंसान बनाने के सारे इंतजाम अब आपको करने होंगे। शहजादी यास्मीन ने अलादीन को बताया कि वो शमशीर रखने के लिए गुलबदन खुफिया कमरे में गया है। शहजादी यास्मीन को महफूज रखने के लिए उस बेवकूफ अलादीन ने उन्हें बेहोश कर दिया। पर अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, जो मुझे हरगिज मंजूर नहीं। और काली रात होने से पहले पहुंच गया उस खुफिया कमरे में। यही उस आशिक की सबसे बड़ी गलती थी। पहला झटका अलादीन को तब मिला जब उसे पता चला कि बादशाह सलामत ही मुच्छड़ हैं। बादशाह सलामत। दूसरा झटका जब बादशाह सलामत को पता चला अलादीन ही काला चोर है। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। फिर अंगूठी के जन ने बादशाह सलामत को काबू में कर लिया। हम ही मुच्छड़ हैं। और उनसे वो सारे गुनाह कबूल करवाए जो मुच्छड़ ने खुद किए थे। हमने नासिर उमर को फंसाया, उसका यानी तुम्हारा घर उजाड़ दिया और उसे इतना गुस्सा दिलाया कि वो बादशाह सलामत यानी अंगूठी के जिन ने अलादीन को हमारे बताने के मुताबिक उस कमरे तक ले पहुंचा जहां इस बाजी की आखिरी चाल को खेला जाना था। वे हम सही वक्त पर शहजादी को लेकर वहां पहुंच गए ताकि वो देख पाए जो हम उन्हें दिखाना चाहते हैं। मरहूम बादशाह सलामत। और खून में डूबी हुई शमशीर लिया हुआ अलादीन। उसके आगे क्या हुआ ये हम सभी जानते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। यकीन करो और तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो कुछ भी करना है वो तुम्हें करना है अंगूठी के जिन। क्योंकि कल की सुबह लोगों के लिए गम का अंधेरा लेकर आएगी, लेकिन हमारे लिए कामयाबी की चमक। हुकूमत होगी बादशाह सफर। बेहतरीन।
ये सब क्या हो गया? मैंने कैसे? मुझे तो याद भी नहीं कि असल में हुआ क्या था। हम ही मुच्छड़ हैं। हमने ना सिर्फ उमर को फंसाया, उसका यानी तुम्हारा घर उजाड़ दिया, तुमसे तुम्हारा बचपन छीन लिया। तब हमने तुम्हारे बाप की जिंदगी बर्बाद की, अब तुम्हारे भाई की जिंदगी बर्बाद करेंगे। वो हमारे हाथों का ऐसा खूनी खिलौना है जो पूरे बगदाद पर कहर ढाएगा और तुम्हारी अम्मी पर भी। बादशाह सलामत की बातों से मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उनकी जान ले ली। या अल्लाह, मैं तो अपने अब्बू को बेगुनाह साबित करना चाहता, खुद ही गुनहगार बन गया। मेरे अब्बू तो सिर्फ गद्दार थे, लेकिन मैं गद्दार के साथ साथ बादशाह सलामत का कातिल भी बन गया। इस जुर्म की सजा मौत, मौत। मेरी जान चली जाएगी, वो जान जिस पर मुझसे ज्यादा मेरी अम्मी का हक है। मेरी अम्मी का क्या होगा? वो कहाँ जाएंगी? मेरी अम्मी कहाँ जाएगी? मुझे तेरी अम्मी को छोड़कर नहीं, उनका सर शर्म से झुका कर जा रहा हूं। मेरे सोचा था कि मैं अपनी अम्मी के दामन पर कभी दाग नहीं लगने दूंगा, लेकिन उनके दामन पर सबसे बड़ा दाग छोड़ कर जा रहा हूं। हो गए, सुबह की धूप तो इतनी नरम लगती है, आज ऐसे चुप क्यों रहे? अलादीन, 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 अलादीन पूरी रात घर नहीं आया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, वो पूरी रात घर क्यों नहीं आया? और इंतजार करूंगी तो पागल हो जाऊंगी मैं खुद जाकर ढूंढती हूँ उसे। हाँ, अब एक ना एक दिन तो हमें जाना ही है। जब ऐसा हो, सल्तनत से सहारा नहीं मांगे, सल्तनत का सहारा बने। हमारा हाथ छूट सकता, लेकिन हमारा साथ कभी नहीं छूटेगा। अब हमेशा हमारे साथ है, हमारे दिल में हमेशा। किस्मत का भी खेल देखिए, हमें दुनिया के सबसे अच्छे अम्मू मिले, पर आपको दुनिया की सबसे बुरी बेटी। आपने कभी हमें नहीं रोका अम्मू, कभी हम पर कोई पाबंदी नहीं लगाई आपने। लोग अपनी बेटियों को चलना सिखाते हैं,
आपने हमें उड़ना सिखाया अम्मू, अब हमारे अम्मू हमारे दोस्त, हमारी पूरी जिंदगी थे। और हमने सहवान अलादीन के लिए आपको एक लम्हे में अकेला कर दिया। आपने तब भी उस पर यकीन किया था अम्मू, जब आप हमें उस अलादीन की असलियत बताने चाह रहे थे तो हमने आप पर यकीन नहीं किया। काला चोर हमारी सल्तनत का, मकदाद का हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आपने उससे मोहब्बत कर दी। अल्लाह क्यों हमने आपकी बात मान लेनी चाहिए थी अम्मू। हमारी बेटी को सही गलत की समझ थी, वो सच्ची और साफ दिल की थी, हमें अपना दोस्त मानती थी, हमसे इतनी मोहब्बत करती थी कि हमसे कभी झूठ बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। आप हमारी यास्मीन नहीं हो सकती। हमारी वो बेटी कहाँ है? हमने आपकी बात मान ली होती अम्मू, जो आज आप जिंदा होते, अलादीन ने आपकी जान नहीं ली। हमारे गुस्से, हमारी जिद, हमारे धोखे ने ले ली। हमने आपकी जान ले ली अम्मू, हम आपके गुनहगार हैं। हमारी सबसे बड़ी सजा ये है कि हमको आपके बिना जीना पड़ेगा। लेकिन हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए अम्मू, मत दीजिए, हम आपके बिना नहीं जी सकते। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें। आपकी बेटी को आपकी बहुत बहुत जरूरत है। लौट आइए अम्मा, माफ कर दीजिए अम्मा। शहजादी, मलिका बेगम बेहोश हो गई है, जल्दी आइए। फातिमा, फातिमा मेरी बात। ये पूरा बाजार बंद क्यों है? अलादीन भी अब तक घर नहीं लौटा, पूरी पूरी रात घर से बाहर रहना ये कोई बात हुई? आ जाने दो इस लड़के को, अच्छी तरह से इसके कान खींचूंगी। जब भी डांटती हूँ तो गले से लगा लेता है, मीठी मीठी बातें करके हमेशा फंसा लेता है मुझे, पर आज नहीं सुनूंगी इसकी। शीर कोरमा बनाऊंगी, उसके सामने बैठकर खाऊंगी, जरा सा भी नहीं दूंगी उसे। और नक्चड़ी को भी बुला लूंगी, उसके सामने ही बताऊंगी कि किस तरह से बचपन में ये लड़का नंगा ही गलियों में घूमता रहता था। कान शर्म से लाल हो जाएंगे, तब अकल आएगी इस लड़के को। ऐसे ऐसे मानेगा नहीं। बहन, आप अकेली कहाँ घूम रही हो? क्यों, क्या हुआ? आपको पता नहीं, बादशाह सलामत पे हमला हुआ है। या अल्लाह, कैसे? अब इससे ज्यादा तो हमें कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ, जल्द ही वजीरे आला आगे की खबर देंगे। तब तक आप घर पे ही रहिए। पता नहीं हमलावर कौन है, एक आदमी है या पूरा गिरोह है। इस समय घर से बाहर रहना खतरनाक हो सकता है रुखसार बहन। कल से इतनी बेचैनी और अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं, और अब बादशाह सलामत की ये खबर, ये सब क्या हो रहा है? और मेरा अलादीन अब तक घर नहीं आया, वो कहीं महल में तो नहीं फंस गया? या अल्लाह, मेरे बेटे को हर मुसीबत से बचाना।
अम्मी जान। मलिका बेगम, वक्त पे दवाई लेते रहिएगा, हम थोड़ी देर में फिर आते हैं। हकीम साहब, अम्मी ठीक तो है ना? क्या हुआ है अम्मी को? आप जरा यहाँ आइए। शहजादी, हालात बड़े ही मुश्किल है। आपको मलिका बेगम के खातिर खुद को संभालना होगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। आपने सुना ना हकीम साहब ने क्या कहा? आपको अपनी दवाई पीनी होगी अम्मी। अभी लीजिए अम्मी। अम्मी आपको अपना ख्याल रखना होगा। यास्मीन, इससे पहले हम आपसे कोई कड़वी बात कह दें, आप यहां से चली जाइए। हम आपका चेहरा नहीं देखना चाहते। हम आपका चेहरा देखते तो हमें वो मलूस कड़ी याद आती। हमने आपके अब्बू को उस हाल में जाइए यास्मीन। अम्मी हम आए। जाइए यास्मीन। मेरे साथ नकचड़ी भी मौजूद थी, कहीं उसे मेरे साथ देने के जुर्म में गिरफ्तार तो नहीं कर लिया गया? नहीं, उसने तो कुछ भी नहीं किया है, उसने तो मेरा साथ दिया है, मैं भी उसका साथ दूंगा, सब कुछ बता दूंगा कि उसकी कोई गलती नहीं, जो किया है मैंने किया। इस कैदखाने में मुझे पता कैसे चलेगा कि नकचड़ी कहाँ है? यहाँ कोई है भी नहीं जो मेरी मदद करेगा। उस्ताद जी, वो यही है। जब आया तो मैंने उन्हें देखा था। उस्ताद जी, उस्ताद जी, उस्ताद जी, उस्ताद जी, उस्ताद जी, जी।
उस्ताद जी। अच्छा सलामत जैसा नेक ईमानदार और सच्चा इंसान इस दुनिया में नहीं रहा। ये इंसानियत की और इस दुनिया की बहुत बड़ी हार है और इसकी कोई भरपाई नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप इस मुश्किल घड़ी में अपने आप को अकेला ना समझें। पूरा पख्ता और हम आपके साथ हैं। बस हम तो पूरा वक्त अपने आप को कूदते रहते हैं कि वो सलीम हमें खंजर मार देता। पर अब होनी को कौन टाल सकता है। हम उनके लिए तो कुछ नहीं कर सके, लेकिन आपसे एक वादा करते हैं, काले चोर से बगदाद और आपको बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। कुछ भी नहीं वज़ीर आला। हमें अब बहुत कुछ करना होगा वजीर आला, लेकिन सबसे पहले हमारे अब्बू के कातिल का इंसाफ होगा। गाड़े बज रहे हैं, पता नहीं क्यों बज रहे हैं। गुल्लू 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 भाई देना। शहजादी सुल्ताना मलिका बेगम, मलिका बेगम एक नेक बादशाह अपनी आवाम का ख्याल बिल्कुल वैसे रखता है जैसा कोई अपनी औलाद का रखता हो।
बिल्कुल वैसे जैसे हमारे बादशाह सलामत रखा करते थे। बड़े अफसोस के साथ आप लोगों को ये बताना पड़ रहा है, आज हमारा बगदाद यतीम हो गया। बादशाह सलामत नहीं रहे, हमारे बादशाह सलामत नहीं रहे और उनका कातिल हमारी गिरफ्त में है। कौन है वो? इसे हमारे सामने लाओ। अब उसे नहीं छोड़ेंगे। कौन है वो? इसे हमारे सामने लाओ। अब उसे नहीं छोड़ेंगे। कौन है वो? इसे हमारे सामने लाओ। अब उसे नहीं छोड़ेंगे। इत्मीनान रखिए, इत्मीनान रखिए, आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। एक खूनी ने जिन का सहारा लेकर ये खौफनाक हरकत की, इन दोनों ने मिलकर आप पर जुर्म ढाया, आपका चैन छीना, आपकी दौलत छीनी, लेकिन आज आपसे आपकी खुशियां लूट ली। आपके अजीज बादशाह सलामत को छीन लिया। ये वजीरे आला किस जिन की बात कर रहे हैं? कहीं हमारा जीनू तो नहीं? इस वैशी दरिंदे को बख्तार का बच्चा बच्चा जानता। वो दहशी, वो दरिंदा, वो कातिल और कोई नहीं, काला चोर है। वैशी दरिंदे को मख्तार का बच्चा बच्चा जानता। वो दहशी, वो दरिंदा, वो कातिल और कोई नहीं, काला चोर है। काला चोर, काला चोर, काला चोर। भाई मेरा भाई, कसम सोने की अशरफियों की, क्या वाकई अलादीन ने बादशाह सलामत का कत्ल किया है? लेकिन फिर जिन उसके कब्जे में कैसे? ये बात कुछ समझ नहीं आई मियां। शुक्र है सल्तनत के पिंजड़े ने जिन नाम के कबूतर को पकड़ लिया। मेरे आका की तो हर बात कमाल है। वाह, बादशाह सलामत तो नहीं रहे, लेकिन उनका वफादार वजीर होने के नाते हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इंसाफ होगा। अब आप सब काले चोर के साथी उस जिन को देखेंगे। जिन को देखेंगे? जिन को देखेंगे? खुदा इसका तो पहले ही नहीं जा रहा है। इतना खतरनाक है। चिंपते इसका तो पहले ही है। इतना खतरनाक है। इतना खतरनाक है। मियाँ इसके तो पैर ही नहीं है।
बगदाद के लोगों, खुशामदीद। वैसे तो जिन इंसानों को नजर नहीं आते, पर आप लोग इत्मीनान रखिए, ये मनहूस और इसका खबीस आका हमारी गिरफ्त में है। उस कमीने काले चोर ने इस जिन के साथ मिलकर हमारे तादाद में दहशत फैलाई, खौफ फैलाया अपना, जिसकी वजह से जान और माल का बहुत नुकसान हुआ। हमारी खुशियां, हमारा सुकून, सबको छीना इन लोगों ने, और इस मनहूस काम में इस अंगूठी के जिन ने काले चोर का साथ दिया। ये दरिंदे उतने तक ही नहीं रुके। जब हमारे मरहूम बादशाह सलामत को इनकी सच्चाई का पता चला तो हमारे बादशाह सलामत तक की जान ले ली। चुप क्यों खड़े हो अंगूठी के जिन? अपना गुनाह कबूल करो। ये सच है कि काला चोर मेरा आका है। और मैं उसका गुलाम। इसलिए जब मेरे आका ने बगदाद के लोगों पर जुल्म और कहर डालने का हुक्म दिया तो मुझे उनका हुक्म मानना पड़ा। पिछले कई दिनों में ऐसा कौन सा जुल्म है जो मैंने बगदाद के लोगों पर नहीं किया? उन्हें कब्जे में किया, उन्हें पिटवाया, उनसे मार पीट करवाई, जुर्म करवाए, अपने जादू से वहम और धोखा पैदा करके बगदाद के लोगों को डराया। और ये सब मैंने अपने आका काले चोर के हुक्म से किया। और हाँ, बादशाह सलामत का कत्ल भी काले चोर ने किया। और बादशाह सलामत के कत्ल में मैंने भी काले चोर की मदद की। झूठे की हर बात झूठी, सिवाय इसके कि वो काला चोर है। अलादीन ने आज तक हमसे जो भी कहा झूठ ही कहा। ये सभी इंसान अंगूठी छाप को देख के कितने गुस्से में लग रहे हैं। पता नहीं आका क्या करने वाले हैं। वादे के मुताबिक मैंने काले चोर को कुछ बार ठहराने में आका की मदद की। अब आका की बारी है। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो गुस्से से पगलाई पीठ से मुझे बचाएंगे। जितने गुस्से में देखना है देख लो, क्योंकि इससे ज्यादा तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैंने बगदाद के लोगों को झूठ बोल दिया। अब आप मुझे आजाद कीजिए, जैसा आपने मुझे वादा किया था। उंगली में अंगूठी
अंगूठे में नगीना न कोई था और न कोई होगा, सफर से बड़ा कमीना। ताकत इसकी चोटी में थी, चोटी कट गई, ताकत खत्म। आका तो झटके पे झटका देते जा रहे, आका ने मोटी छाप के चोटी काट दी, उसका जादू छीन लिया। आगे आका करना क्या चाहते हैं? आप सभी का गुनहगार आपके सामने है। आप लोग इसका जो हशर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। खत्म कर दो इसे। जब मैं ये बांसुरी बजाना शुरू करूंगा तुम लोग भी शुरू हो जाना। कुछ होने वाला था लेकिन आका ने मुझे बताया तक नहीं। आका ने अंगूठी छाप को हवाओं के हवाले कर दिया। अंगूठी छाप जैसा भी है तो जिन, माफ करना अंगूठी छाप, मैं तुम्हारी यहाँ कोई मदद नहीं कर सकता। ये अंगूठी का जिन वापस वहीं चला गया है जहाँ से वो आया था। लोग इत्मीनान रखिए, आप लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाई गई, लेकिन अब बारी है उस खबीस को देखने की जिसने हमारे बादशाह सलामत की जान ली। पढ़ी होगी तुमने मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है?
की कोई वजह नहीं होती नकचड़ी। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। तुम्हें नहीं खो सकते अलादीन। मुझे दोस्ती नहीं निभानी, मुझे किसी से दुश्मनी निभानी। जिसकी वजह से हमारे बगदाद पर बहुत सारी मुसीबतें आई। आज तक आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, लेकिन आज आप सारे इसकी शक्ल देखेंगे। सोनी केशरफियों की, ये तो अलादीन की दोस्त है, हमारी दुकान में भी आई थी। हाँ। और खदान में भी। हाँ। ये शहजादी है इसमें ना। शहजादी? ये तो हमारी खदान में थी। ये तो हमारे साथ मिस्र में भी थी, हमें जहराल से बचाया था। शहजादी हमारे बीच रह के हम सबकी मदद करती रही और हमें पता ही नहीं कि ये शहजादी है। हाँ। हम शहजादी से इतने बार मिल चुके, हमें पता ही नहीं। अब शहजादी यास्मीन खुद अपने हाथों से इस काले चोर को बेनकाब करेंगी और इसकी सजा भी सुनाएंगी। एक आम लड़के की आप पर इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्योंकि आपकी वजह से हमारे हाथ बच जाए और गुनहगार होने के बाद भी हम उसे सजा ना दे पाए। मुझ पर कोई और नहीं,
बगदाद के बादशाह सलामत हैं। कैसे हो सकता है? लड़ना ये रुखसार का बेटा है, रुखसार का बेटा अलादीन है, हमारे खानदान का लड़का। मैं मोहब्बत करता हूँ उसका नाम है शहजादी यास्मीन। हम हैं शहजादी यास्मीन। हमारी फिक्र मत करो, तुम जाओ यहाँ से। वहां पे तो वजीर आला थे, बादशाह सलामत थे, सिपाही थे, तुम्हारे बच्चे कैसे निकले? शेख चिनू हमारे महल में कैद है। तुम्हारा महल? जिस काले चोर की तस्वीरों पे तू इब्ने बतूता के खानदान के जूते लगाया करती थी, वही तेरी औलाद निकली। अरे भाई यही होता है, नाज़नीन कहती है औलादों की ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए। गद्दार की बीवी तो तू थी, अब तेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई क्योंकि तू एक खूनी की माँ भी बन गई है। तेरा बेटा कातिल है, कातिल। काले चोर की असलियत जानने के बाद आपकी तरह हम भी हैरान रहे। किसे पता था कि इस मासूम सी शक्ल के पीछे और इस मामूली से लड़के के पीछे एक आका, एक जिन का आका होगा, एक खूनी होगा। इसने बादशाह और आवाम का कत्ल नहीं बल्कि पूरे आवाम के यकीन का कत्ल किया है। बिल्कुल बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। इस गुनहगार की सजा खुद शहजादी यास्मीन तय करेंगी। बहुत बड़ा गुनाह किया है इसने, बहुत बड़ा, इसलिए इसकी सजा
भी बहुत बड़ी होगी। हम इस धोखेबाज झूठे मकार खूनी से